हाय रे नंद किशोर, आह तो तलिया आई गई, तो सब सामान बताया था, लई आई हो ना? अरे शाबाश दादा, खर्चा उर्चा तो नहीं किया ना? बुआ जी, वो तूने तो कुछ कहा ही नहीं। इसलिए चीची और हमने तोरा रिश्ता तय कर दिया। ठीक है ना? अरे नंद किशोर ठीक है, बहुत अच्छा है। अब देखो गरिमा, ये तितलिया अपने लिए सगुन भी ले आई है, दोए दोए चांदी का सिक्का। ए तितलिया, हम तोरी सगाई तय कर दिए। हाय रे नंद किशोर, हम जाना थे, बहुत हबड़ तबड़ में सब काम हो रहा है, लेकिन हमको अपने नंद किशोर पे बहुत भरोसा है। देखना ऐसा टिप टॉप प्रोग्राम हुई है कि सब देखते रह जाएंगे। हाँ नहीं बुआ जी, नहीं अम्मा, हम ये शादी नहीं कर सकते। हे शंका देवी, तोरे मुंह से शब्द फूट रहे हैं या होश में भी है कि का उलझन उलपक रही है? का चाहती है परमेश्वरी, कुछ समझ में भी आता है? ससी बबुआ इतनी बड़ी विपदा से बचे हैं, वो चाहते हैं कि ये ब्याह हुई जाए, पर काही तमाशा दिखा रही है। बुआ जी, हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए, हम ये शादी नहीं कर सकते। हमसे ये नहीं होगा। एक मिनट जी, खुशी तुम पे कोई जबरदस्ती नहीं है बेटा, बस हम तो ये सोचते हैं कि तुम्हारे पाऊजी यही चाहत है, उन्हें तो बस तुम्हारी और पायली की बहुत चिंता सतात है, और फिर हम सब यही सोचे हैं कि साम बिटवा जैसा वर तुम्हें कहाँ मिलेगा, और कुछ नहीं, लेकिन फिर भी तुम पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। हाय रे नंद किशोर, ऐसे कैसे? कौन जबरदस्ती कर रहा है? कौन आयरे गायरे के साथ बांध रहे हैं का? अरे श्याम बबुआ, में एक एक कमी निकाल के दिखाए दो तो जाने। नहीं बुआ जी, उनमें कोई बुराई नहीं है। इतने दिन हमारे साथ रहते हुई गया, आज तक कोई गलत हरकत की है? बताओ बताओ, की है कोई हरकत? नहीं बुआ जी, उन्होंने कुछ नहीं किया, पर हम इस सन का दे भुला गई? तुम्हारी इज्जत कौन बचाया रहा? और जब जब ये घर को जरूरत पड़ी कौन मदद किया? श्याम बबुआ, एक बात कान खोल के सुन लो, हमारा नाम मधुमति है, हमारी आंखें धोखा नहीं खाई सकती, बिना कोई कारण बताए श्याम बबुआ से ब्याह के लिए मना नहीं कर सकती हो। अरे हमको मालूम तो पड़े कि काहे ब्याह से मना कर रही है, गरिमा समझाओ ही का। दीजिए, हमें खुशी को मजबूर नहीं करना चाहिए। जा खुशी, जाके कपड़े बदल ले और बाऊजी को दवाई दे दे। जा।
हम क्या करें बाबूजी? हम जानते कि आपने हमारे लिए इतना कुछ किया है और आज पहली बार आप हमसे कुछ मांग रहे, लेकिन इस वक्त शादी हमें ठीक नहीं लग रही बाबूजी। और श्याम जी, हम जानते हैं कि श्याम जी बहुत ही अच्छे हैं, पता नहीं क्यों हमारा मन नहीं मान रहा। हमें माफ कर दीजिए बाबूजी, ये हमसे नहीं होगा। बिल्कुल सही फैसला लिया है आपने खुशी जी। हमने आपसे पहले भी कहा था खुशी जी, हमें शादी को लेकर बिल्कुल राजी नहीं थे। हम समझ सकते हैं खुशी जी, हम ना नहीं कह पाए, पर आपने ना कह के हमारे दिल से बहुत बड़ा बोझ हटा दिया खुशी जी। हम जानते हैं खुशी जी, और कोई समझे ना समझे, पर मौसा जी जरूर समझेंगे कि आपने ना क्यों की। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए मौसा जी, खुशी जी से शादी तो हम जरूर करेंगे। इतना कुछ हो रहा है देवी मैया, और हम उस लॉर्ड गवर्नर के बारे में क्यों सोच रहे? बुआ जी ठीक ही तो कह रही है देवी मैया, श्याम जी में कोई बुराई नहीं है, फिर हम उनसे शादी क्यों नहीं करना चाहते? हर पल हम अर्नब जी के बारे में क्यों सोच रहे? पहली बार हम अपने घर वालों की बात क्यों नहीं मान रहे? बताइए ना देवी मैया, हमें क्या हो गया है? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। कम से कम हमें सही रास्ता तो दिखाइए।